सिपह सालार की तब्दीली, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान संभाल ली। फौज का मोराल बुलंद है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। नए आर्मी चीफ का पुरअज़्म ऐलान। मैं भारत पर वाजे करना चाहता हूं कि हमारी तहम्मल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। राहील शरीफ की भारत को वार्निंग, कौमी मुफाद तरजीह रहा। सुबुकदोश आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का खिताब, पाक फौज की कमान छोड़ते ही आर्मी हाउस को खैरबाद कहकर एक और रिवायत कायम कर दी। वजीर आजम से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात, नवाज शरीफ ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। जनरल जुबैर महमूद हयात की सदर ममनून से भी मुलाकात। कराची में तालिबान का वजीरिस्तान नेटवर्क फिर सरगर्म, भत्ता वसूली के लिए वजीरिस्तान से शरकायत पहुंचने वाले 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, 7 की तलाश। गिरफ्तार दहशतगर्द ने तफ्तीश के दौरान बड़े राजों से पर्दा उठा दिया। अजीजाबाद कराची से असलहे की भारी खेप पकड़ने का केस, कराची पुलिस ने मुलजिमों को पकड़ने की नाकामी का एतराफ कर लिया। तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा। पंजाब में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, ओपीडी बंद, लाहौर के 5 अस्पतालों में उधम मचा दिया। एमएस सर्विस अस्पताल के कमरे में नारेबाजी, मरीज मारे मारे फिरने लगे, सड़कों पर ट्रैफिक जाम। लाहौर में आपका मुलाजमीन फिर सड़कों पर आ गए, मुलाजमीन के मुतालबात के हक में दुहाई, लेकिन ट्रैफिक जाम से शहरियों की जान पे बनाई। हर चौंक च ट्रैफिक जाम, कोई मरीज होवे, कुछ होवे, ते कुछ रुहाट का मसला होवे, ते ओ प्रॉब्लम प्रॉब्लम जी रस्ते ही रह जांदा बेचारा। आवाम का ख्याल ही नहीं है, सबको अपना अपना पड़ा हुआ है हुक्मरानों को। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, इमरान खान और शेख रशीद का मुलाकात में इत्तफाक, पनामा लीक्स केस की भरपूर पैरवी करने का फैसला। सराजुल हक ने सिंध में मजहब की तब्दीली से मुतालिक कानून को इस्लाम से मुतसादिम करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कोई भी गैर मुस्लिम अपनी मर्जी से मुसलमान हो सकता है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तैयारियां, कल लाहौर में जलसा, कमर जमान कायरा कहते हैं तकरीबात जश्न की सूरत में होंगी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मसाइल के हल के लिए 100 रोजा मंसूबे का ऐलान कर दिया, कहते हैं इख्तियारात महदूद लेकिन जज्बा लामहदूद है। केडेट कॉलेज लाड़काना में तालिबान पर मुबैना तशद्दुद का मामला, वजीर आला सिंध ने अहमद के अमरीका में इलाज की मंजूरी दे दी। साइबर कानून के तहत पहले केस का फैसला, लाहौर के सेशन अदालत ने लड़कियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाने वाले मुजरिम को 2 साल कैद और 30,000 जुर्माना कर दिया। कीवीज ने अपनी बैटिंग को किया बैक, ग्रीन पिचेस बनाकर पाकिस्तान को किया ट्रैप। हैमिल्टन टेस्ट में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त, न्यूजीलैंड ने 30 साल बाद सीरीज अपने नाम कर ली। यासिर शाह आउट, 4 फास्ट बॉलर इन, लेकिन ये तजर्बा भी बच्चों का खेल साबित हुआ, स्लो ओवर रेट की सूरत में जुर्माना गले पड़ गया। फ्लाईवेट सिल्वर टाइटल के फाते मोहम्मद वसीम का दुनिया न्यूज इस्लामाबाद का दौरा, बॉक्सिंग चैंपियन बेहतरीन कवरेज पर दुनिया न्यूज के शुक्रगुजार, हुकूमत से बॉक्सिंग के फरोग के लिए इकदाम करने की अपील।